हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। यहाँ पर हमें कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और हमें बताना है कि उन प्रोसेसेस में जो चेंज हो रहे हैं वो चेंज फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। अब हम देखते हैं कि वो प्रोसेस क्या है, यानी वो काम क्या है। सबसे पहले हमें दिया गया है फोटोसिंथेसिस, उसके बाद हमें गिवन है डिजोल्विंग शुगर इन वॉटर, फिर हमसे कहा गया है बर्निंग ऑफ कोल, उसके बाद गिवन है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और उसके बाद है बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, और उसके बाद हमें गिवन है डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि हमें जो ये सारे प्रोसेस यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि ये सारे काम जो यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी प्रोसेसेस में, इन सभी कामों में जो चेंजेस होते हैं वो कौन से चेंजेस होते हैं, वो फिजिकल चेंज होते हैं या केमिकल चेंज होते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स के इनमें से फिजिकल चेंजेस कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंज होते हैं जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। तो यहां पर बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन फिजिकल चेंज में आएगा, क्योंकि यहां पर हमें दिया गया है डिजोल्विंग शुगर इन वॉटर। जब आप पानी में चीनी मिलाते हैं तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। उसके बाद डी ऑप्शन भी फिजिकल चेंज में आएगा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब मोम पिघलती है तो इसमें भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। इसके बाद ई ऑप्शन भी फिजिकल चेंज में आएगा, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। जब हम एल्यूमिनियम को पीटते हैं तो उससे क्या बनती है, एल्यूमिनियम फॉयल बनती है, तो इसमें भी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पर केमिकल चेंज में आएंगे। तो याद रखिएगा, केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं। तो जो ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस, ये केमिकल चेंज में आएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं ये खाना तैयार करते हैं, जो कि एक न्यू सब्सटेंस होता है, इसलिए ए ऑप्शन यानी फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज में है। इसके बाद सी ऑप्शन, बर्निंग ऑफ कोल भी केमिकल चेंजेस में आएगा, क्योंकि जब कोयला जलता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि एक न्यू सब्सटेंस होता है। इसके बाद एफ ऑप्शन, डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज में ही आता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट होता है, एंजाइम्स के द्वारा ये डाइजेस्ट होता है, और जो एंजाइम्स होते हैं ये खाने को ब्रेक करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा इजिली एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं, इसलिए डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज में ही आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें वहां पर करेक्ट स्टेटमेंट लिखकर दिखानी है। तो ए पार्ट में हमें दिया गया है, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन टू पीसेज इज अ केमिकल चेंज। क्या लकड़ी को काटना एक केमिकल चेंज है? हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि लकड़ी को काटना एक फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल चेंज, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन टू पीसेज इज अ फिजिकल चेंज। बी पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। लीव्स यानी कि पत्तियों से मेन्योर बनाना एक फिजिकल चेंज है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि लीव्स से मेन्योर बनाना एक केमिकल चेंज होता है, ना कि फिजिकल चेंज, क्योंकि मेन्योर एक न्यू सब्सटेंस होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट होगी, फॉर्मेशन ऑफ मेन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें दिया गया है, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजिली।
यानी कि अगर आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा दी जाए, जिंक की परत चढ़ा दी जाए, तो वो आसानी से रस्ट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट्स, क्योंकि आयरन के ऊपर जिंक की परत जब चढ़ाई जाती है तो आयरन आसानी से रस्ट नहीं होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। अब हम डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में हमें दिया गया है आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंसेस होते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंस नहीं होते, ये डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक ब्राउनिश कलर की लेयर आयरन के ऊपर जमा हो जाती है, और ये जो ब्राउनिश कलर की लेयर होती है यही रस्ट होती है, और ये एक न्यू सब्सटेंस बनता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे आयरन एंड रस्ट आर द डिफरेंट सब्सटेंसेज, यानी आयरन और रस्ट डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं। अब हम ई पार्ट देखते हैं। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। स्टीम का जो कंडेंसेशन होता है ये केमिकल चेंज नहीं होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट्स। इसको ध्यान से समझिएगा कि कंडेंसेशन ऑफ स्टीम क्या होता है। जब वाटर वेपर फॉर्म में होता है, यानी गैसियस फॉर्म में, और अगर उसे ठंडक मिलती है तो वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड में चेंज हो जाता है, और वाटर का गैस से लिक्विड में चेंज होना ये एक फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है स्टूडेंट्स, जिनमें हमें ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, यानी खाली जगह दी गई है, हमें उन ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। तो अब हम ए पार्ट देखते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करवाया जाता है तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, यानी कि दूध के जैसा हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ किस चीज के बनने से। तो यहां पर सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराया जाता है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, यानी कि दूध के जैसा हो जाता है। तो यहां पर जो ये ब्लैंक स्पेस है यहां पर आप लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें दिया गया है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज डैश। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां पर इस ब्लैंक स्पेस में आप क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें गिवन है टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश। तो यहां पर हमें दो ऐसे मेथड बताने हैं जिससे आयरन की रस्टिंग को रोका जा सकता है। तो यहां पर इसके लिए आंसर रहेंगे स्टूडेंट्स पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, जिससे कि आयरन की रस्टिंग नहीं होती और आयरन खराब नहीं होता। तो यहां पर आप लिखेंगे पेंटिंग और यहां पर लिखेंगे गैल्वेनाइजेशन। अब हम डी पार्ट देखते हैं। चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो यहां पर आपको फिजिकल चेंज की डेफिनेशन याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि फिजिकल चेंज क्या होता है। जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा फिजिकल। देखिए चेंजेस इन विच ओनली, अगर हम यहाँ फिजिकल लिख देंगे तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी कि जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब हम ई पार्ट देखते हैं। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स केमिकल। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी कोई न्यू सब्सटेंस बनता है तो ये कैसा चेंज होता है? ये केमिकल चेंज होता है। तो अगर हम यहां पर केमिकल लिखते हैं तो इसके बाद देखिए कि हम इस आंसर को कैसे पढ़ेंगे।
चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, यानी कि ऐसे चेंजेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा केमिकल। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, एक्सप्लेन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब हम बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं लेमन जूस के साथ तो बबल्स बनते हैं और एक गैस भी बनती है, हमें बताना है ये कैसा चेंज है। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम बेकिंग सोडा को, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, जब हम बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक न्यू सब्सटेंस है, इसीलिए ये जो चेंज होता है ये एक केमिकल चेंज होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है दिस इज अ केमिकल चेंज। क्योंकि जब भी कोई ऐसा चेंज होता है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, और यहाँ पर नया सब्सटेंस क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब कैंडल जलती है स्टूडेंट्स, यानी कि मोमबत्ती जलती है, तो उसमें फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और केमिकल चेंजेस भी होते हैं, आइडेंटिफाई दीज चेंजेस। यहाँ पर हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि कैंडल के जलने से जो चेंजेस होते हैं उनमें से कौन से चेंजेस फिजिकल चेंजेस होते हैं और कौन से चेंजेस केमिकल चेंजेस होते हैं। और इसके बाद हमसे कहा गया है, गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस, यानी कि हमें एक और ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल चेंज भी होता है। तो पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैंडल के जलने से फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं। ऑन हीटिंग कैंडल वैक्स गेट्स मेल्टेड इज अ फिजिकल चेंज एज इट अगेन टर्न्स इनटू सॉलिड वैक्स ऑन कूलिंग। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसकी जो वैक्स होती है, उसकी जो मोम होती है, वो पिघल जाती है, ठीक है। और वैक्स का पिघलना फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि अगर आप पिघली हुई वैक्स को ठंडा करते हैं तो वो वापस सॉलिड वैक्स में चेंज हो जाती है। यानी कि कैंडल के जलने से वैक्स का पिघलना ये एक फिजिकल चेंज होता है। अब हम देखेंगे कि कैंडल के जलने से केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं। द वैक्स नियर टू फ्लेम बर्न्स एंड गिव्स न्यू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर हीट एंड लाइट। यानी कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो जो वैक्स फ्लेम के पास होती है, यानी कि आग के पास होती है, वो वैक्स जलती है और उससे न्यू सब्सटेंस बनते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर वेपर बनता है, हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। यानी कि वैक्स के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, वाटर वेपर का बनना, हीट का प्रोड्यूस होना और लाइट का प्रोड्यूस होना, ये केमिकल चेंजेस में आता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि हमें एक और एग्जांपल देना है जिसमें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों ही होते हों। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, ईटिंग ऑफ फूड इज अनदर एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। यानी कि फूड को खाना एक और एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल चेंज भी होते हैं और केमिकल चेंज भी होते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब हम फूड को खाते हैं तो उसमें फिजिकल चेंज कौन से होते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ये इसमें फिजिकल चेंज होता है। जब हम फूड को खाते हैं, जब आप खाना मुंह में डालते हैं तो आप उस खाने को चबाते हैं, तोड़ते हैं, तो ये खाने को जो हम तोड़ते हैं स्टूडेंट्स, ये एक फिजिकल चेंज होता है। क्योंकि जब हम खाने को अपने दांतों से तोड़ते हैं तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो होता नहीं है, तो इसीलिए हम इसको फिजिकल चेंज कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि फूड को जब हम खाते हैं तो केमिकल चेंज कौन सा होता है। तो केमिकल चेंज में क्या आएगा, डाइजेशन ऑफ फूड।
याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड को न्यू सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं ताकि ये हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा सके। तो खाने का डाइजेस्ट होना एक केमिकल चेंज कहलाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में वो हमारे द्वारा खाए गए खाने को न्यू सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, इसीलिए डाइजेशन ऑफ फूड को केमिकल चेंज कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे। सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, यानी कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कर्ड का बनना यानी दही का बनना एक केमिकल चेंज है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कर्ड बनाने के लिए पहले दूध को गर्म किया जाता है और उसमें थोड़ा सा कर्ड मिलाया जाता है और उसके बाद वो पूरा जो दूध होता है वो भी कर्ड में चेंज हो जाता है, यानी कि कर्ड एक न्यू सब्सटेंस है जो बनता है। और हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, वंस द कर्ड इज फॉर्म्ड, एक बार अगर कर्ड बन जाता है इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू मिल्क, तो आप उसे दोबारा मिल्क में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कर्ड एक न्यू सब्सटेंस बन चुका है। मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मिल्क और कर्ड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि मिल्क एक डिफरेंट सब्सटेंस है और कर्ड एक डिफरेंट सब्सटेंस है। सो सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, इसका मतलब दूध से दही का बनना एक केमिकल चेंज है। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इंटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, यानी कि हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि लकड़ी को जलाना और लकड़ी को काटना ये दो अलग टाइप के चेंजेस कैसे हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है, व्हेन वी बर्न वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं, न्यू सब्सटेंसेस ऐश एंड स्मोक आर प्रोड्यूस्ड, तो उससे नए सब्सटेंस बनते हैं। एक तो ऐश बनती है यानी कि राख, और एक उससे स्मोक यानी धुआं बनता है, और ये दोनों ही न्यू सब्सटेंस होते हैं। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज, इसीलिए लकड़ी का जलना एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें दो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, ऐश यानी राख और स्मोक यानी के धुआं। इसके बाद देखिए, व्हेन वी कट वुड, जब हम लकड़ी को काटते हैं, ओनली द शेप एंड साइज ऑफ द वुड आर चेंज्ड, तो लकड़ी को काटने से सिर्फ उसकी शेप और साइज बदल जाते हैं लेकिन लकड़ी की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आता है। कटने के बाद भी वो लकड़ी है और कटने के पहले भी वो लकड़ी थी। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी लकड़ी को काटने से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। Therefore, it is a physical change. इसीलिए लकड़ी का काटना एक फिजिकल चेंज होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर एट करेंगे। एट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड, हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स यानी के दाने या टुकड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे तैयार किए जाते हैं। अ कप फुल ऑफ वॉटर इज टेकन इन अ बीकर एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड इन टू इट, तो सबसे पहले हमने एक बीकर में एक कप पानी लिया और उसमें कुछ ड्रॉप्स हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाली। द वॉटर इज हीटेड, उसके बाद हमने पानी को गर्म किया। वेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, और जब ये पानी उबलने लगता है, कॉपर सल्फेट पाउडर इज एडेड स्लोली वाइल स्टरिंग कॉन्टिन्यूसली, तो पानी के उबलने के बाद हम उसमें क्या डालना स्टार्ट करते हैं, कॉपर सल्फेट पाउडर, और उसको स्टर करते हैं लगातार। स्टर करना मतलब मिलाना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट पाउडर इज एडेड कॉन्टिन्यूसली टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व, और ये कॉपर सल्फेट पाउडर हमें तब तक मिलाते रहना है जब तक कि ये डिजोल्व होना बंद ना हो जाए, यानी कि घुलना बंद ना हो जाए। द सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, और उसके बाद इस सोल्यूशन को फिल्टर किया जाता है एंड अलाउड टू कूल डाउन, और उसके बाद इस सोल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट स्लोली फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और उसके बाद बीकर के बॉटम पे यानी कि नीचे की तरफ हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नजर आने लगते हैं।
यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन लिया है और इसमें यहाँ पर बॉटम में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन गए हैं जो यहाँ पर जूम करके दिखाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे तैयार किए जाते हैं। अब हम नाइन्थ क्वेश्चन करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग, यानी के आयरन गेट को पेंट करने से वो रस्टिंग से कैसे बचता है। तो देखिए स्टूडेंट्स फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज रिक्वायर्ड। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों की जरूरत होती है। द कोट ऑफ पेंट प्रिवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। तो जब हम आयरन के ऊपर या आयरन गेट के ऊपर पेंट कर देते हैं तो वो एक कोटिंग चढ़ जाती है, यानी एक परत चढ़ जाती है, और ये जो कोटिंग होती है पेंट की आयरन के ऊपर ये एक दीवार का काम करती है स्टूडेंट्स, और ये आयरन को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से रोकती है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। और जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता, यानी कि ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो उसमें रस्टिंग भी नहीं होती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम आयरन गेट के ऊपर पेंटिंग करते हैं तो इससे आयरन गेट की रस्टिंग को रोका जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स, यानी कि कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, समुन्दर के आसपास की जगह है। तो जो समुन्दर के आसपास की जगह होती है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां आयरन ऑब्जेक्ट्स की जो रस्टिंग होती है वो ज्यादा स्पीड से क्यों होती है, किसके कंपैरिजन में, डेजर्ट्स के कंपैरिजन में। यानी डेजर्ट्स वाले जो इलाके होते हैं, जो ये रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं, वहां पर आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी रस्टिंग की स्पीड कम होती है, जबकि कोस्टल एरियाज की जो जगह होती है यहाँ आयरन ऑब्जेक्ट्स की रस्टिंग की स्पीड ज्यादा होती है। हमें बताना है ऐसा क्यों होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि आयरन की रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिखा गया है लेकिन वाटर की जगह यहाँ मॉइस्चर वर्ड आया है। मॉइस्चर और कुछ नहीं होता बल्कि हवा में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उसे ही मॉइस्चर कहा जाता है। यानी कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों की जरूरत होती है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। इन कोस्टल एरियाज देयर इज मोर मॉइस्चर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी। और जो कोस्टल एरियाज होते हैं इनके आसपास की जगहों में जो हवा होती है उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इस हवा में पानी के पार्टिकल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है समुन्दर के पास होने की वजह से। बट इन डेजर्ट एयर इज ऑलमोस्ट ड्राई, लेकिन जो रेतीले इलाके होते हैं, रेगिस्तानी इलाके होते हैं, यहाँ की हवा लगभग सूखी होती है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती है। Therefore, rusting of iron objects is faster in coastal areas than in deserts. इसीलिए जो कोस्टल एरियाज होते हैं यानी समुन्दर के आसपास की जो जगह होती हैं, यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन की स्पीड ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, डेजर्ट्स के कंपैरिजन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। यानी कि किचन में हम जो गैस यूज करते हैं स्टूडेंट्स उसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या LPG कहते हैं। इन दिस सिलेंडर इट एक्सिस्ट एज अ लिक्विड, और सिलेंडर में ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम दिस सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस चेंज ए। यहाँ पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि जब ये LPG जो कि सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है, जब ये सिलेंडर से बाहर आती है तो ये गैस में चेंज हो जाती है, और इसे चेंज ए कहा गया है। उसके बाद हमें दिया गया है देन इट बर्न्स चेंज बी, और सिलेंडर से बाहर आने के बाद ये LPG जो कि अब गैस की फॉर्म में बाहर आई है ये जलती है, और इसको कहा गया है चेंज बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रटेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। अब इन्हीं चेंजेस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है स्टूडेंट्स, और हमें उन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है।
हम एक बार आपको इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देते हैं स्टूडेंट्स। हमें कहा गया है कि सिलेंडर में जो एलपीजी होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है। जब ये एलपीजी सिलेंडर से बाहर आती है तो ये गैस में चेंज हो जाती है। इस चेंज को चेंज ए का नाम दिया गया है। उसके बाद ये गैस जलती है। गैस के जलने को चेंज बी का नाम दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमें उन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज। सेकंड स्टेटमेंट है प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। थर्ड स्टेटमेंट है बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। और फोर्थ स्टेटमेंट है नन ऑफ दीज प्रोसेसेस इज अ केमिकल चेंज। तो पहली स्टेटमेंट को देखिए स्टूडेंट्स, प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ए में क्या हुआ था, जो एलपीजी जो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में थी, जब वो सिलेंडर से बाहर आई तो वो गैस में चेंज हो गई। लिक्विड का गैस में चेंज होना ये एक फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल चेंज। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। प्रोसेस बी एक केमिकल चेंज है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने प्रोसेस बी में देखा था कि जो गैस बाहर आई थी वो जली। जब गैस जलती है स्टूडेंट्स, तो इससे केमिकल चेंज होता है। गैस के जलने को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? प्रोसेस बी। तो देखिए यहां पर हमने आंसर में क्या लिखा है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, यानी गैस का जलना एक केमिकल चेंज है। हम आपको ये थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी बता देते हैं कि ये क्यों गलत है। थर्ड स्टेटमेंट दी गई है बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, यानी कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों ही केमिकल चेंजेस है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो प्रोसेस ए है वो केमिकल चेंज नहीं है, प्रोसेस ए एक फिजिकल चेंज है, सिर्फ प्रोसेस बी ही केमिकल चेंज है यहां पर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट में हमें दिया गया है नन ऑफ दीज प्रोसेसेस इज अ केमिकल चेंज, यानी प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों में से कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो प्रोसेस बी है, जिसमें जो गैस है वो बर्न कर रही है यानी जल रही है, तो गैस का जलना तो एक केमिकल चेंज होता है, जबकि यहां लिखा गया है कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों ही केमिकल चेंज नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि यहां पर जो प्रोसेस बी हुआ है वो केमिकल चेंज हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी रहेगी? सेकेंड स्टेटमेंट, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस चेंज ए। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और उससे क्या बनती है, उससे बायोगैस बनती है। यानी एनिमल वेस्ट से बायोगैस के बनने को यहां पर चेंज ए का नाम दिया गया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा कि एनिमल वेस्ट से बायोगैस का बनना ये केमिकल चेंज होता है, क्योंकि बायोगैस एक न्यू सब्सटेंस होता है। और हम जानते हैं जब भी कोई ऐसा चेंज हो जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है, तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज फ्यूल चेंज बी, यानी कि इसके बाद अब बायोगैस को एज अ फ्यूल जलाया जाता है, इसे चेंज बी का नाम दिया गया है। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स जब भी कोई चीज जलती है तो न्यू सब्सटेंस तैयार होता है, यानी किसी भी चीज को जलाने से जो चेंज आता है वो केमिकल चेंज होता है। इसके बाद हमसे कहा गया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रटेन टू दीज चेंजेस। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो इन्हीं चेंजेस से रिलेटेड है। चूज द करेक्ट वन, हमें उन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। थर्ड स्टेटमेंट है बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। और फोर्थ स्टेटमेंट है नन ऑफ दीज प्रोसेसेस इज अ केमिकल चेंज। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में हमें क्या कहा गया है, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, यानी कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी ये दोनों ही केमिकल चेंजेस हैं।
प्रोसेस ए क्या था स्टूडेंट्स? प्रोसेस ए वो प्रोसेस था जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ने एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट किया और उससे क्या प्रोड्यूस किया, बायोगैस। और बायोगैस एक न्यू सब्सटेंस है, तो एनिमल वेस्ट का बायोगैस में चेंज होना ये एक केमिकल चेंज है। और जो प्रोसेस बी था, प्रोसेस बी में हमें कहा गया था कि बायोगैस को जलाया गया। तो जब बायोगैस को जलाया जाता है तो किसी भी चीज का जलना एक केमिकल चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों ही केमिकल चेंजेस हैं, इसीलिए थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को हमने करेक्ट क्यों नहीं माना, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया था प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज। ये ठीक है कि प्रोसेस ए केमिकल चेंज है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोसेस बी भी तो केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस ए की बात की गई थी, इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं माना। ऐसे ही सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। इसमें लिखा गया है कि प्रोसेस बी एक केमिकल चेंज है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ प्रोसेस ए भी केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर भी दोनों की बात नहीं कही गई, इसलिए इसको भी हमने सही नहीं माना। और फोर्थ स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि नन ऑफ दीज प्रोसेसेस इज अ केमिकल चेंज, यानी प्रोसेस ए भी केमिकल चेंज नहीं है और प्रोसेस बी भी केमिकल चेंज नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों ही यहाँ पर केमिकल चेंजेस हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों ही केमिकल चेंजेस हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।